हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, फिट होंगे। मेरा नाम कौटिल्य और जैसे कि मैंने आपसे अपनी प्रीवियस वीडियो में वादा करा था, आज का जो हमारा टॉपिक होगा उन सब लोगों के लिए जो ज्यादा ओवरवेट हैं, वो अपनी बॉडी से कैसे फैट बर्न करें। ज्यादा ओवरवेट से मेरा मतलब है जिन लोगों का अपने आइडियल वेट से 10 से 20 किलो वेट एक्स्ट्रा है या उससे भी ज्यादा है, वो हो गया ज्यादा ओवरवेट। यार अगर हम प्रैक्टिकल होके देखें तो ये हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं कि वो टफ एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर पाए। इसलिए आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बिल्कुल सिंपल, बेसिक और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस शेयर करूंगा, ताकि आप सब लोग भी फिट रहने के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकें। यहाँ पे मैं चाहूंगा ये वर्कआउट अब अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। हम अपना एक्टिविटी लेवल या स्टेमिना अपने पेरेंट्स के साथ मैच तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको अनफिट भी नहीं रख सकते। अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे तो वो 15 मिनट तो अपने बिजी शेड्यूल से निकाल ही सकते हैं अपने आप को बदलने के लिए। आज भी जो हम वर्कआउट करेंगे वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होने वाला है। मैं यहाँ पे आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट इसलिए फॉलो करने के लिए बोलता हूँ क्योंकि ये एक तरीके का कार्डियो ही है, जहाँ पे हमें जिम जाने की जरूरत नहीं, ट्रेडमिल की जरूरत नहीं, कोई इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं। ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। HIIT वर्कआउट आपकी कम टाइम में ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है, ड्यूरिंग वर्कआउट भी और आफ्टर वर्कआउट भी। ड्यूरिंग वर्कआउट तो ये आपकी कैलोरीज बर्न करता ही है, लेकिन जब आप वर्कआउट खत्म कर लेते हैं उसके बाद भी आपकी बॉडी कंटिन्यूसली कैलोरीज बर्न करती है। यही HIIT वर्कआउट की खासियत है। यार फैट लॉस का ना सीधा सीधा फंडा ही है, जितनी कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हो ना उससे ज्यादा कैलोरीज आपको बर्न करनी है, ताकि आपकी बॉडी आपके स्टोर्ड फैट को यूज करे एनर्जी के रूप में, जिसकी वजह से आप नीड करोगे फैट लॉस के लिए। तो आज हम यहाँ पे 6 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे, जिसमें से हर एक्सरसाइज को हम 30 सेकंड तक परफॉर्म करेंगे और एक्सरसाइजेस के जो बीच का गैप होगा वो 10 सेकंड का होगा, जिसके अंदर हम 10 सेकंड रेस्ट करेंगे। आप अपने पानी की बॉटल अपने साथ रख सकते हैं, ताकि अगर आप ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो बीच में लिटिल बिट सिप कर सकें। तो पहली जो हमारी एक्सरसाइज है वो है बाईसाइकिल। जैसे साइकिल चलाते हैं ना, वैसे वैसे करनी है। मैं आपको बताता हूँ उसकी सही फॉर्म। जो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक मैट ले लो, ऐसे लेट जाएंगे, उसके बाद अपने हाथ साइड रख लें, जिनकी लोअर बैक स्ट्रॉन्ग है साइड रख लें, जिनकी लोअर बैक में सपोर्ट चाहिए ऐसे डायमंड शेप बनानी है और नीचे रख लेनी है लोअर बैक में। फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक पैर एक्सटेंड करेंगे एक चेस्ट के पास, एक एक्सटेंड एक चेस्ट के पास, लाइक दिस। ये आपकी बाइसाइकल्स। कोशिश करेंगे अपनी कोर की पावर से पैरों को चलाना है, और अगर आपको इसको इफेक्टिव बनाना है और सर उठा लें जैसे मैंने उठा रखा है, तो आपका अपर का जो कोर है वो भी एंगेज हो जाएगा, लाइक दिस। जिनको नीचे रखने में नीचे भी रख सकता है। अब सेकंड एक्सरसाइज करेंगे हम फ्लटर किक्स। फ्लटर किक्स कैसे करनी है, सेम नीचे हाथ, पैर हल्के से ऊपर उठा लेंगे, जमीन पे नहीं रखने, ऊपर। यहां से 1 2 नी स्ट्रेट रहेंगे, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज सेम ऐसे ही है, पैर ऊपर कर लेंगे और क्रॉस करेंगे लाइक दिस, क्रिस क्रॉस करना है, 3 4 and 5। फोर्थ एक्सरसाइज होगी रिवर्स क्रंच। आपके लोअर बेली जो फैट होता है उसको हटाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हाथ नीचे रख लेंगे, पैर हल्के से ऊपर जमीन से, चेस्ट के पास नीज को लाना है, अपनी कोर की पावर से खींचना है नीज को, लाना है, एक्सहेल करेंगे। जब यहां लाएंगे सांस को छोड़ना है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जब पैर सीधे करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट तो सांस लेंगे लाइक दिस। पूरा स्क्वीज करना है लोअर को पे। फिफ्थ एक्सरसाइज है हमारी क्रंचेस। क्रंचेस कैसे करनी है, लेट जाएंगे नॉर्मल, हाँ लेट जाएंगे, हल्के से अपने नीज को बेंड कर लें, ऐसे रख लें, शोल्डर जितने खोल लें बेंड करके, उसके बाद ना सर को जमीन पर नहीं रखना, हल्का सा लिफ्ट कर लेना हवा में या इतना, उसके बाद हाथों को ऐसे साइड में रख लें, सांस लें, और ऊपर आएंगे तो सांस छोड़नी है। जब मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, समझ लो आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो रूल समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल, सांस छोड़नी है।
सांस लिया, छोड़ा। रेस्ट नहीं करना, ऐसे सर नहीं रखना नीचे, ठीक है। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, हम अपने साइड्स के लिए करेंगे, साइड पैड के लिए टो टच करेंगे। सेम ऐसे पैर मुड़े रहेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, टो टच हमें वैसे ऐसे करनी है, साइड से जाना है, टोस को टच करना है। अपना कोई कोई लोग क्या करेंगे, अपने पैर ज्यादा मोड़ लेते हैं, तो इतनी पास रख लोगे अगर आप तो आप आराम से टच कर सकते हो, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसे थोड़े से दूर रखो अपनी हील्स को, अपने हिप से थोड़ा दूर खोलो यहाँ ऐसे, तो ताकि आपको टच करने मुश्किल हो। अब एक एक करके अपनी अपने हाथों से अपने हील्स को टच करना है पैर की, राइट हाथ से राइट पैर की हील, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर की, और जाना है बिल्कुल साइड से, लाइक दिस। तो फिर चलो एक एक मैट ले लो, नीचे आ जाओ, वर्कआउट साथ में करते हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिए मजा आ जाएगा बिल्कुल, शुरू करते हैं। एक स्टॉप वॉच ले लेना, अगर स्टॉप वॉच नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फोन में स्टॉप वॉच मिल जाती है, उसको यूज कर लें। पहली एक्सरसाइज बाइसाइकल्स। सेकेंड रेस्ट, सांस को ना रेगुलेट करते रहना अपनी, ताकि ब्रेथलेस ना हो जाओ। नी स्ट्रेट रहेंगे, सीजर्स नेक्स्ट। क्रॉस करनी है लेग्स को आपस में, पोजीशन ले लो नेक्स्ट एक्सरसाइज की। पुशिंग योर सेल्फ, रुकना नहीं है।
तो गाइस वर्कआउट हमारा कंप्लीट हो गया है। 3.5 मिनट की एक साइकिल थी, अराउंड 3 मिनट 50 सेकंड की। तो ये मैंने आपको एक सेट करके दिखाया ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। ऐसे ऐसे आप करेंगे 3 से 4 सेट परफॉर्म करने कम से कम आपको। और ये जो एक सेट है, जब दूसरा सेट जब शुरू करेंगे उसमें 1-2 मिनट का बीच में आप गैप ले लेना, ठीक है। जब आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा, पूरा जलेगा पेट, पता चलेगा कि कैसा लगता है। और जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो डेफिनेटली आपको एंड में पता चलेंगे, जब आपको अच्छा लगेगा। तो गाइस जो आज की वीडियो मैंने शूट करी है, मैंने खुद से ही करी है। जो आप सेटअप देख रहे हो, फोन वगैरह का सेटअप, आज मैं अकेला ही था तो मैंने अकेले आपके लिए वीडियो शूट करी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना यार, आपके कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और साइड में एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा दो। और उसके भी साइड में एक छोटी सी बेल आइकन होगी, उसको भी प्रेस कर देना ताकि आप और हम कनेक्टेड रह सकें। नमस्कार, टेक केयर।